हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से प्रमुख थे। देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल था चंद्रशेखर आज़ाद का भी, तो आज हम इनके बारे में समझेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि आज़ाद नाम से लोकप्रिय थे, वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया के सबसे ज़्यादा निर्भीक और महान फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। वे किसके बेटे थे? पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी की। वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के भावरा गांव में 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। किनके यहाँ? पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के यहाँ। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा भावरा से ही प्राप्त की। फॉर फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा के लिए, ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। वो वाराणसी की संस्कृत पाठशाला में गए आगे की पढ़ाई के लिए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वो एक महान भक्त थे। किनके? भगवान हनुमान के। वंस ही डिसगाइज्ड हिमसेल्फ। एक बार उन्होंने अपने आप को डिसगाइज किया एज अ प्रीस्ट, पादरी का भेष धारण करके इन्हें एक हनुमान टेम्पल में, टू एस्केप फ्रॉम द क्लचिज ऑफ द ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए हनुमान टेम्पल में उन्होंने एक बार पादरी की वेशभूषा धारण की। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920-21 में अहिंसात्मक आंदोलन, नॉन वायलेंस अहिंसात्मक आंदोलन और असहयोग आंदोलन से वो बहुत प्रभावित थे अपनी युवावस्था के दिनों में। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि युवा चंद्रशेखर नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी की लीडरशिप में चलाया जा रहा था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। उन्होंने उन आंदोलनों को ज्वाइन किया, उन आंदोलनों में भाग लिया एंड वॉज अरेस्टेड, और गिरफ्तार भी हुए। एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट का मतलब है कि जज के सामने उन्हें पेश किया गया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद। वहाँ उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, फ्रीडम। अपने पिता का नाम उन्होंने वहाँ पर स्वतंत्र बताया। एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन। और अपना घर कहाँ बताया? जेल में। यानी कि उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा घर जेल में है। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैशेस। इससे वो मजिस्ट्रेट बहुत नाराज हुआ और उसने उनको 15 कोड़े मारने की सज़ा दी। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आज़ाद। तभी से वो आज़ाद के नाम से जाने जाने लगे।
आजाद पैट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद की देशभक्ति और साहस, पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति और साहस, औरों को इंस्पायर्ड करता था, प्रभावित करता था स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर भगत सिंह के मेंटर थे, यानी कि उनके गुरु थे। हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कि स्वयं भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो वो दोनों, चंद्रशेखर और भगत सिंह, दोनों ही क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिव रहते थे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैसेकर मतलब हत्याकांड हुआ था। उससे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो बहुत ज़्यादा विचलित थे। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द काकोरी केस। उन्होंने काकोरी केस में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा डर बन चुके थे। ही वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, वह उनकी हिट लिस्ट में थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वॉन्टेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। और ब्रिटिश पुलिस जो थी वो उन्हें बहुत ही मतलब जल्दी बहुत ही बुरे तरीके से उनको पकड़ना चाहती थी, जिंदा या मुर्दा उन्हें पकड़ने के लिए वो बेताब थी। बैडली वॉन्टेड, बेताब थी। ऑन 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन अलाहाबाद, नाउ प्रयागराज। अलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है, उस समय प्रयागराज का नाम अलाहाबाद था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे अल्फ्रेड पार्क में थे। ही वाज बेटरेड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। ही वाज बेटरेड, उन्हें धोखा दिया गया बाई एन इन्फॉर्मर, एक इन्फॉर्मर द्वारा फॉर द ब्रिटिश पुलिस, जो कि ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करता था। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को आदेश दिया कि वो सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। आज़ाद फॉट ब्रेवली, आज़ाद बहादुरी से लड़े एंड किल्ड द पुलिसमैन, और उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, अंत में जब उन्होंने अपने आप को देखा पुलिस से घिरे हुए, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को गोली मार दी। दस ही कैप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा साबित करके दिखा दी कि मैं जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। प्लेस मतलब प्रतिज्ञा। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, वो अक्सर अपनी ये फेवरेट हिंदी लाइनें गाते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे।